नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी डीएसएसबी सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न। इससे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास के सारे चैप्टर के क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी क्वेश्चन मिल सकें। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। पहला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चार्ल्स मैसन। हड़प्पा में उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ करवाया? तो ये करवाया दयाराम साहनी। लोथल का गोदीवाड़ा एक नहर के जरिए किस नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था? तो ये था भोगवा नदी। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मानक हड़प्पाई उत्पाद थे? तो यहाँ देखो सभी चीज़ मिली हुई है, लेकिन सबसे सर्वाधिक जो अगर बात मानते हैं तो ये हो जाएगा ईंटें, हालांकि हम सब कुछ मिला हुआ था। हड़प्पा संस्कृति का समुद्र क्षेत्र है एक, ये एक त्रिभुजाकार आकार का था। खेत जोते जाने का साक्षर प्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? तो जितने वो खेत जो मिलते हैं राजस्थान कालीबंगन से पाए जाते हैं। निम्न में से किस हड़प्पाई नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ खुलते थे? तो लोथल एक ऐसा स्थल था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क तरफ खुलते थे, बाकी सब सड़क के दरवाजे घर के पिछवाड़े की ओर खुलते थे। निम्न किस फसल के लिए किसी भी सिंधु स्थल से कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है? तो फसल थी गन्ना, जिसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पाई मोहरों के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती थी? ये थी काटना। अधिकांश हड़प्पाई मृदवांड थे। अधिकांश सादे थे, कहीं कहीं काले थे, लालचित वाले बहरंगी वाले थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिले हैं वो सादा मिले हैं। अधिकांश सिंधु मूर्तियाँ थीं। हाथ से बनी हुई। निम्नलिखित कौन सी धातु विश्व में सर्वप्रथम भारत में प्रकट हुई? तो ये थी चांदी। ऊंट की हड्डियां कहाँ से पाई गई हैं? ऊंट की हड्डियां कालीबंगन से प्राप्त हुई। निम्नलिखित किस स्थल से एक गैंडे के वास्तविक अवशेष मिले हैं? तो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं अमरी से। सिंधु सभ्यता की धार्मिक मूर्तियों में शामिल थीं। तो यहाँ पर सभी मूर्तियाँ शामिल थीं। निम्न में कौन से हड़प्पाई मोहरों पर प्राचीनतम पुरोगामी कौन थी? ये हो जाएगा मेहरगढ़ से प्राप्त मृण मोहरें। पुरातत्वविदों को केवल एक सिंधु स्थल पर मध्य नगर मिला जो नगर दुर्ग और निचले नगर दुर्ग से भिन्न है या स्थल है। धौलावीरा। हड़प्पा स्थलों का अधिकतम संकेंद्रण है? सिंधु और इसकी सहायक नदियों के मैदान में। हड़प्पा के ईंटें मुख्यतः
खुले सांचे में बनी होती थीं। अन्नानगार या माल गोदाम निम्न में किस स्थान पर मिले हैं? आंसर हो जाएगा ए 1, 2, 5, यानी के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, पलोथल। भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है ए धौलावीरा। इधर आपको मैच करना है। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, 1, 2। फिर से आपको मैच करना है। सही आंसर हो जाएगा सी। किस हड़प्पा स्थल में पत्थर की किलाबंदी है जिनके कोनों पर और लंबी दीवारों में केंद्र में वर्गाकार बुर्ज हैं? ये सुर कोतला। फिर से आपको यहां मिलान करने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में खोजे गए हड़प्पा स्थलों में सर्वाधिक उल्लेखनीय स्थल जो संभवतः एक व्यापार सीमा केंद्र था स्थित है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व अफगानिस्तान के सोरतुगई में। स्त्री जननांगों के प्रस्तर प्रतीक किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा मृदभांड कई प्रकार से सजाए जाते थे, निम्न में से कौन सा उन प्रकारों में नहीं थे? ये थे छकड़े, नाव आदि में चित्र। पर्याप्त खाद्यान्नों का उत्पादन करने के लिए हड़प्पाई गांव अधिकांश अवस्थित थे। तो यह आएगा बाढ़ ग्रस्त मैदानी इलाकों में। हड़प्पा वासी अपने बच्चों की काफी परवाह करते थे, यह साबित होता है। मिट्टी के बने बहुत सारे खिलौनों से हड़प्पा कालीन सभ्यता मुख्यतः निम्नलिखित किन प्रदेशों में केंद्रीय भूत थी? ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात। निम्नलिखित कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल समकालीन समुदाय गतिविधियों संबंधित नहीं था? तो यह है देसलपुर। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसलें थीं गेहूं और जौ। पकाई गई ईंटों से निर्मित एक डोकयार्ड जैसे एक नहर के माध्यम से खंबात की खाड़ी के साथ जोड़ा गया, निम्न में से किस स्थान पर खोजा गया? ये मिला लोथल में। हड़प्पा कालीन देवी देवताओं में किसे परवर्ती हिंदू धर्म में अंगीकार नहीं किया गया है? यह है एक श्रृंगी जीव। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों की सर्वमान्य विशेषताएं क्या थीं? विशेषताएं थीं डी पकाई गई ईंटों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, विस्तृत जल निकास प्रणाली, दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु थी ये कांस्य। हड़प्पा के लोग के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? मिट्टी के चित्र पकाए गए चित्रकांत बर्तन।
सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस औजार एवं उपकरण का प्रयोग नहीं करते थे? कांटा और चम्मच। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? ये लगभग 5 शताब्दी तक जीवित रही। स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा योगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ये सबसे ज्यादा गुजरात में। अभी हाल ही में खोदे गए किस स्थान से हड़प्पा कालीन बस्तियों के 3 चरण हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा पर्वती, हड़प्पा पाए गए? तो ये सभी। हाल ही में खोदे गए किस स्थान से, ये हो गया। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए थे वे थे, गेहूं और कपास की खेती। सिंधु घाटी के लोगों को संभवतः किस प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी? ये केश रंग रोगन। हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? ये थे आयताकार। निम्न किस संदर्भ में विभिन्न हड़प्पा योगीन स्थलों में सुस्पष्ट एक रूपता पाई जाती है? नगर योजना। निम्नलिखित कौन से पुरावशेष सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन का अध्ययन करने में सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुए? पक्की मिट्टी से निर्मित आकृति एवं मोहरें। हड़प्पा कालीन लगभग सभी नगरों में विशाल अननगार थे क्योंकि यह हो जाएगा सभी। निम्न किस स्थान से अनुष्ठानिक स्नानगारों के निकट निर्मित अग्निवेदियों की कतारें मिली हैं? ये कालीबंगा। हड़प्पा वासी द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी? धातु और बहुमूल्य पत्थर। कौन सी भारतीय लिपि हड़प्पा कालीन लिपि के सर्वाधिक निकट या समान रूप प्रतीत होती है? द्रविड़। जबकि ये जो हड़प्पा कालीन जो लिपि थी कभी पढ़ी नहीं गई, ये फिर भी द्रविड़ से मैच करती है। हड़प्पा कालीन लोगों के अस्त्र शस्त्र किससे बने होते थे? ये इसमें हो जाएगा सभी, तांबा, पत्थर और कांस्य। खुदाई में निम्नलिखित में से कौन से खिलौने नहीं पाए गए? यह है शतरंज की बिसात। हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा समान अंत्येष्टि प्रणाली का अनुसरण करने के निम्न में से किस तथ्य की पुष्टि होती है? यहां पर हो जाएगा उपयुक्त में सीधे दानी की दोनों। निम्न में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो यह थी दाल। निम्न में कौन सा नगर हड़प्पा कालीन व्यापार गतिविधियों का एक महान केंद्र था? लोथल था। निम्न में किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई जाती है? यह था घरों का आकार। हड़प्पा कालीन मोहरों पर किस पशु की आकृति को सबसे अधिक उत्कृष्ट किया गया है? कुबड़, रहत सांड एवं सरंगी बैल।
हड़प्पा काल भवनों को पत्थरों के स्थान पर पकाई गई ईंटों से बनाने का कारण था कि यहाँ पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था। आधुनिक हिंदू धर्म की किन विशेषताओं को हड़प्पा कालीन धर्म से अंगीकार नहीं किया गया? यह हो जाएगा देवता विशेष के लिए देवालयों का निर्माण। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त ताम्र धातु कहां से लाया गया? आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, खेतड़ी और बलूचिस्तान। लोथल और चुनूदड़ों का सर्वाधिक मतलब उद्योग क्या था? यह हो जाएगा मन का उत्पादन उद्योग। हड़प्पा कालीन मिट्टी के पाए गए बर्तनों पर निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा लाल और काले चमकदार बर्तन। हड़प्पा कालीन लोग किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे? यहाँ सभी के साथ व्यापार होता था। हड़प्पा कालीन सभ्यता व सुमेर मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी अन्य प्राचीन सभ्यताओं के बीच निम्न में से कौन सी समानता परिचित नहीं होती है? अंत्येष्टि प्रणाली और धार्मिक विश्वास। निम्न में कौन सी विशेषता हड़प्पा कालीन बौद्ध संस्कृति संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा उपकरणों के लिए ताम्र एवं कांस्य के साथ साथ लोहे का प्रयोग। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? यह ताम्रपाषाण युग। सर्वाधिक प्रभो उत्पादक अपवहन तंत्र किस हड़प्पाई स्थल में था? यह हो जाएगा मोहन जोदाड़ो में। निम्न में से कौन सा स्थान पूर्व सभ्यता संस्कृति से परिपक्व हड़प्पा संस्कृति में पारागमन का सुराग देता है? ये आंसर हो जाएगा अमरी। हड़प्पा संस्कृति के प्रसार और सुदूर स्थानों में नई बस्तियों की स्थापना का कारण था? ये जाएगा आबादी का विस्तार। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उसके उत्तर हड़प्पाई चरण में झंगर संस्कृति नामक संस्कृति थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरी। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल आग द्वारा नष्ट हुआ था? ये कोट दी जी। निम्नलिखित में किस स्थान पर गर्त निवास का प्रमाण नहीं मिलता है? ये जलीलपुर में। हड़प्पा स्थलों के कब वगैरह प्राय स्थित होते थे? बस्तियों की परिधि के आसपास। निम्न में से कौन सा सिंधु नगर गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? ये सुतका गेंडोर। यहाँ सॉरी यहाँ आपको मिलान करना है। सही आंसर हो जाएगा ए,
हड़प्पा विलय की संख्या अब तक कितनी बताई जाती है? ये हो जाएगा 2500। हड़प्पा के घरों में निम्न में से कौन से अक्षर थे? ये हो जाएगा केवल 1, 3, 4, यानी कि 1, 3 और ये 4। राख के टीले जो प्रतत्व के लिए एक रहस्य बने रहे कहां पाए गए? यहां डी, इसको आप रोक के देख सकते हैं। नगर दुर्ग और निचले नगर से भिन्न एक तीसरा छोटा टीला जिसमें अग्नि कुंडों के केवल अवशेष हैं उत्खनों को कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे अधिक संभावित प्रेरणाता कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग। हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण सर्वाधिक संभावित माना जाता है? उपर्युक्त किसी एक अथवा सभी कारणों से लोग अन्य चले गए। लोथल और कालीबंगन में धार्मिक विश्वासों में क्या समानता थी? यह अग्नि पूजा। ईरान की सीमा के पास इस हड़प्पा कालीन स्थल है, यह है सुतका गेंडोर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सी सभ्यता सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ये यूनानी सभ्यता। हड़प्पा कालीन लोगों के आवरण किस धातु वस्तु से निर्मित नहीं किए जाते थे? ये जाएंगे श्वेत धातु एवं मिश्रित धातु से। सिंधु सभ्यता की जल निकास प्रणाली का सबसे बड़ा दोष था नालियां कुओं के पास हुआ करती थीं। हड़प्पा कालीन लोगों का कौन सा धार्मिक विश्वास अब प्रचलित नहीं है? प्रजनन शक्तियों की पूजा, बाकी सब यहाँ प्रचलित है। निम्नलिखित किस हड़प्पा कालीन स्थल में घोड़े के अवशेष पाए गए? ये जाएगा सुर कोतदा। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिवोस्त्र पहने हुए पशुओं से घिरे हुए योगी की निम्न में किसके साथ पहचान की गई है? ये पशुपति शिव के रूप में इसको माना गया है। भारत में विशाल हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी थी? ये धोलावीरा। भारतीय उपमहाद्वीप में चार विशालतम हड़प्पा कालीन बस्तियां हैं, इधर आपको ये मैच करना है। तो सही आंसर आपको जाएगा 1, 2, 4, 5। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर तीन खंडों नगर दुर्ग मध्य नर्ग निचला नगर में विभाजित था और उनके नगर प्राचीरों के भव्य प्रवेश द्वार बने हुए थे? जो हो जाएगा धोलावीरा। हड़प्पा कालीन जीवन एक पक्ष से समकालीन व्यवस्था का आधार था किंतु उसके बारे में हम बहुत कम अथवा कुछ भी नहीं जानते हैं। वह है ग्रामीण जीवन। गुजरात में खोजा गया नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? धोलावीरा। हड़प्पा कालीन सभ्यता के सर्वाधिक धनी आबादी वाले दो नगर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालकों का एक बहुत बड़ा केंद्र था? ये था नैसदी। हड़प्पा कालीन कृषि व्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी?
गेहूं तथा संबंधित शीतकालीन फसलें। हड़प्पा में पाई जाने वाली विभिन्न आकार प्रकार की सुव्यवस्थित भट्टियां किस उद्योग से संबंधित थीं? ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा नगर एक प्रमुख हड़प्पा कालीन औद्योगिक केंद्र नहीं था? ये कालीबंगन। पालतू कुत्तों को उनके स्वामियों की कब्रों में रखने की प्रथा, जो भारतीय प्रथा नहीं थी, का प्रचलन था? ये बुर्जहोम। निम्न में से कौन हड़प्पा के नगर दुर्ग के बाहर स्थित नहीं है? एच कब्रिस्तान। किस प्रकार का हड़प्पाई मृदभाण समूचे विश्व में अपने प्रकार के प्राचीनतम उदाहरण कहे जाते हैं? यानी के चमकीले। अस्थि उपकरण में जो भारत में प्राय नहीं प्रयुक्त होते थे, बड़ी संख्या में पाए गए। एक दो चार। हड़प्पाई की सबसे सुंदर ईंट चिनाई कला पाई जाती है? विशाल स्नानगार में। निम्न में से कौन से पशु न तो मोहरों पर चित्र के रूप में और न ही मूर्तियों के रूप में मिले हैं? ये हो जाएगा एक दो तीन, यानी कि गाय ये सब नहीं मिले हैं, ये मिला। निम्न में किस सिंधु स्थल में कुछ लोगों की हिंसात्मक मृत्यु होने का प्रमाण मिलता है? ये कालीबंगन। निम्न में से कौन से निश्चित रूप से सिंधु लोगों की विश्वास प्रथाएं मानी जा सकती थी? आंसर है एक दो चार पाँच। निम्नलिखित सभी कालों और युगों को कालानुक्रम में सजाएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो तीन पाँच। निम्न में कौन सा सिंधु आधुनिक गुजरात में स्थित है? इसका भी आपका आंसर हो जाएगा दो तीन और ये पांच। निम्न में किस स्थानों में प्राक हड़प्पा काल में जो खेत जोते जाने का प्रमाण मिलता है? जी आपका आंसर हो जाएगा दो और चार, कालीबंगन और बनावली। सिंधु लोगों द्वारा निर्यात की जाने वाली निम्नलिखित चीज़ों में से कौन सी प्रमुख चीज़ें थीं? दो तीन पाँच। फिर से आपको यह मिलान करना है। आंसर आपको हो जाएगा बी। या फिर आपको एक मिलान करना है। सही आंसर सी। निम्नलिखित में से सिंधु स्थलों का प्राप्ति के अनुसार सही कालक्रम था? ऑप्शन नंबर डी। सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन से अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है?
मेसोपोटामिया नगरों में प्राप्त सिंधु मोहर है। हड़प्पाई प्रस्तर मूर्तियां प्राय बनी होती थी। एक और तीन, निम्न में से कौन सी फसलें सिंधु लोगों द्वारा खरीफ फसलों के रूप में उगाई जाती थी, कूट में सही चुनिए। ऑप्शन नंबर डी। किन दो स्थानों से सिंधु लोगों की खोपड़ी की शल्य क्रिया चिकित्सीय विश्वास को प्रमाण मिलता है? ये लोथल और कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर निम्न में वर्गों में से उनकी जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में इसको सजाइए। आंसर है 1, 3, 2। किस जगह फर्श पर टाइल बिछी होने और प्रारूपी प्रतिच्छेदी वृत्तों के चित्र होने का प्रमाण मिलता है? ये मिलता है कालीबंगन में। निम्नलिखित में से किस धातु किस सिंधु नगर के बाद के चरण में सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत किए जाने का प्रमाण मिलता है? ये मिलता है हड़प्पा में। सिंधु लोगों को अधिकतम मानकीकरण प्राप्त हुए हैं ईंटों के। भारत में मानव का प्राचीनतम प्रसार मिलता है शिवालिक पहाड़ियों में। नर्मदा सूची मिलाइए, यहाँ पर आपको मिलाना है। आप इसको रोक के देख सकते हैं, आंसर हो जाएगा इसका बी। पुरापाषाणकालीन, मध्यपाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन संस्कृतियाँ एक के बाद एक क्रम एक स्थान पर कहाँ मिलती हैं? बेलन घाटी में। कोटदिजी में पूर्व हड़प्पा संस्कृति नष्ट हुई आग द्वारा। निम्नलिखित में से किस सिंधु नगर में अर्ध चिकने पत्थरों से बनी विशाल किला दीवार हमें मिलती है? ये मिलती हैं सुरकोतड़ा में। इस उपमहाद्वीप में स्थायी कृषि का अभी तक उपलब्ध प्राचीनतम प्रमाण मिला है, ये मेहरगढ़ में। सूची आपको ये मिलान करनी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित किन स्थानों में हमें कोई भी स्त्री मणिमूर्तिका नहीं मिली है? लोथल एवं कालीबंगन। सिंधु स्थलों में से प्राप्त काले कोयले के टुकड़ों को माना गया है? शिलाजीत। प्राचीनतम ज्ञात धातु व्यापार हुआ था तांबा में। मोहनजोदड़ो की आबादी कितनी आंकी गई? लगभग 35,000 से 41,000। निम्न में से कौन दैमाबाद में नहीं शामिल है, नहीं मिला है? ये ताम्रभाग। हड़प्पा के लोगों के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? दूसरों का अनुकरण। पाकिस्तानी प्रदत्त मछुआरों की एक वर्तमान जनजाति को मोहनजोदड़ो वासियों के वंशज मानते हैं, जो जनजाति का नाम है बहुरी। कालीबंगन आंसर 1, 2, 4। निम्न में से कौन सा सही युग्म सम्मिलित है?
सुर को द घोड़े के अवशेष, फिर यहाँ आपको मैच करना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में प्रतों को चार उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? दायमाबाद से। मेसोपोटामिया को निर्यात किए जाने के वाले अधिकांश हिंदू मन के किस चीज के बने होते थे? ये कार्नेलियन के। पुराल एक शास्त्र होता है अभिलेखों का अध्ययन। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नानगार। हड़प्पा में कितने कब्र ग्रह हैं? 6। निम्न में से किस सिंधु स्थल में एक छोटा पात्र जो शायद एक दावत रहा होगा दबात रहा होगा? चनूदड़ो। निम्न में से किस पालतू पशु की मूर्तियां किसी भी सिंधु स्थल से प्राप्त नहीं हुई हैं? गाय की। निम्नलिखित किस सिंधु स्थल को हड़प्पाई द्वारा सूती वस्त्रों के प्रयोग का ठोस प्रमाण मिला है? मोहनजोदड़ों से। निम्नलिखित में से किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की संज्ञा दी है? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा कालीन नगरों की किलेबंदी अथवा उन्हें प्राचीर युक्त करने के पीछे क्या उद्देश्य था? ए और सी दोनों। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? शासन व्यवस्था अज्ञात है। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।